नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के फेयरवेल मैच को लेकर तमाम अपडेट्स लगातार आ रही हैं। जी, आपको बता दें कि बीती 15 अगस्त को एमएस धोनी ने संन्यास का ऐलान किया था और उन्होंने ये बात कही थी कि अब उन्हें रिटायर्ड समझा जाए, जिसके बाद कई लोगों ने ये अपील की थी कि एमएस धोनी एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो कि एक अच्छा फेयरवेल डिजर्व करते थे, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को फेयरवेल मिला। लेकिन भारतीय क्रिकेट में ये थोड़ा सा एक डिमेरिट रहा है कि दिग्गज खिलाड़ियों को फेयरवेल मैच नहीं मिलता है और दिग्गज खिलाड़ी कई बार रिटायर भी नहीं होते, लेकिन एमएस धोनी का हमेशा से रुख अलग रहा है। चाहे वो टेस्ट से संन्यास और कप्तानी छोड़ने का फैसला हो या फिर वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला हो, उन्होंने अपने मन से कप्तानी जो है छोड़ी और फिर क्रिकेट छोड़ने का भी फैसला किया, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने भी बात कही थी कि धोनी को एक फेयरवेल मैच मिलना चाहिए। उन्होंने बीसीसीआई से इस बात की अपील भी की थी। हालांकि बीसीसीआई के लिए भी फेयरवेल मैच कराना जो है पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस दौरान कोविड काल चल रहा था, केसेस अभी भी हिंदुस्तान में है काफी ज्यादा। तो इस तरीके से बीसीसीआई भी ये बात जानता था कि अब जबकि इंग्लैंड सीरीज ऑर्गेनाइज हो रही है और भारत में एक बार फिर क्रिकेट लौट रहा है, तो फिर क्यों ना एमएस धोनी को एक फेयरवेल मैच दिया जाए। हालांकि ये खबरें हैं कि धोनी सिर्फ टी20 फॉर्मेट में वापस लौटेंगे और एक पूरी सीरीज खेलते नजर आएंगे। पहले खबरें थी कि उन्हें सिर्फ एक मैच मिलेगा, लेकिन एक पूरी सीरीज का मौका एमएस धोनी को दिया जा रहा है, यानी कि 5 मैचों के लिए हो सकता है कि एमएस धोनी टी20 वर्ल्ड कप में वापसी करें। लेकिन बीसीसीआई फिलहाल एमएस धोनी को मनाने में जुटा हुआ है, जिस तरीके की खबरें हैं, और अगर एमएस धोनी का मन होगा तो वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज, यानी कि एमएस धोनी के फेयरवेल मैच की तैयारियां बीसीसीआई ने पूरी करनी है। अब इंतजार है तो एमएस धोनी की हां का। अब क्या वो हां करेंगे, क्या अपने फैंस को एक बार फिर तोहफा देंगे, क्योंकि लगातार फैंस ये बात कह रहे हैं एमएस धोनी शुड डिजर्व अ बेटर फेयरवेल, तो उनको एक अच्छा फेयरवेल मैच मिलना चाहिए। फैंस को भी एक अच्छी विदाई देनी है एमएस धोनी को और वो ये चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एमएस धोनी के आने से थोड़ा सा फैंस के अंदर भी एक अच्छी फीलिंग जो है वो आएगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है धोनी के फेयरवेल मैच को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।